कुछ सवाल पूछने हो तो जरूर पूछ लो, और जो भी कुछ आपको डिफिकल्टी होए, माइक प्रश्न समझ में नहीं आया। तो तेरा सवाल तू ही कर लेंगे, तू अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर सकेगा। सबसे पहले खुलासा के तौर पे एक जो यहाँ में बेसिक इश्यू इन्वॉल्व हो रहे है वो अपने को स्पष्ट समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि अपन शादी के बाद रिसेप्शन रखें, बहुत सारे अपने सगे संबंधी लोग आके गिफ्ट दें। अब सवाल ये है कि रिसेप्शन रखियो या लिए गिफ्ट दे रहे हैं कि गिफ्ट लेनी है या लिए रिसेप्शन रख रहे हैं। यदि गिफ्ट लेनी है या लिए रिसेप्शन रख रहे हैं तो सचमुच में अपनी वृत्ति भी खराब है। रिसेप्शन रखे है, वहां में कोई गिफ्ट दे रहे हो तो दे रहे हो, तो वो जो गिफ्ट दे रहे हो वो रिसेप्शन रखने के लिए वाको अपने
परिवार को वो सगो है या मित्र है, अपने परिवार को अपन परिवार में मैरिज के फंक्शन को अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ में वो भी अपने आनंद को एक अभिव्यक्ति उपहार के रूप से करे। तो आनंद के रूप से उपहार की अभिव्यक्ति करे वो एक अभिव्यक्ति, और समझो कि कोई गेस्ट अपन ने रिसेप्शन रखे हो और वहाँ में बूफे डिनर रखे हो या कोई भी तरह को डिनर रखे हो, और वहाँ के गिफ्ट मैरिज में या ढंग से दे कि भाई तुम गिफ्ट बूफे डिनर दे रहे हो तो कुछ खवा तो रहे ही हो, तो हम वहाँ को पेमेंट डायरेक्ट तो तुमको नहीं कर सके क्योंकि हम नहीं समझे कि यहाँ तुम होटल चला रहे हो, तो तुम्हारे वर वधु को हम ये वाक्य एवज में दे रहे हैं, तो अपन लेना पसंद करेंगे स्वाभिमानी कोई भी। यदि वो कोई भी स्वाभिमानी वर वधु को माता पिता लेना नहीं पसंद करे, तो ऐसे ही जो अपने को ब्रह्म संबंध के लिए दे रहे है या जो भागवत कथा के लिए दे रहे है, वाकु नहीं लेने को अपने में मादा होना चाहिए। अब अपन यो कहे कि नहीं हमने तो मांगे नहीं, तो हमने तो नहीं कही थी जो इनविटेशन कार्ड है तो कि हम तुमको डिनर देंगे और वह डिनर के एवज में तुम हमारे वर वधु को एक ट्रांजिस्टर दे जाइए हो, तो एक जो वीडियो दे जाइए हो, तो एक ऐसे फलाना प्लेयर दे जाइए हो, तो ये दे जाइए हो, तो ढिकड़ो दे जाइए हो। ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है ऐसे अपन इन्विटेशन कार्ड में छापें। यदि ऐसे अपन छापें और वो दे अपने को, तो बताओ कि इंसल्ट भयो कि नहीं। वो इंसल्ट जैसे एक आदमी जो स्वाभिमानी आदमी है वो जैसे इंसल्ट फील करे, ऐसे हर गुसाई को फील होना चाहिए कि नहीं? वो याचित दे रहे है कि अयाचित दे रहे है, सवाल ये नहीं है। वो क्या हेतु सु दे रहे है, वह हेतु सु देते भय पैसा को अपने को एक्सेप्ट करना, अपना ईगो हर्ट होना चाहिए कि नहीं? बेसिक इश्यू ये है, एकदम साफ सुथरो। यदि अपनो ईगो हर्ट नहीं हो रहे है, तो अपन बहुत सारे वाक्य रैशनलाइजेशन कर सकेंगे कि हमने मांगियो नहीं, तो हमने तो कहो नहीं, तो हमने तो खाली बुलायो है, तो वो दे गए हो, तब हम क्या करें? अभी एक साई करवे मुख जाना पड़े, हमारे जमीन को सौदा वो जो भयो ना पोईसर की, तो दो दिन गए वहां वक्त, दो दिन वाने ऑफिसर ने ना पाड़ दी, कुछ कुछ बहाना काट के ना पाड़ दे, लास्ट में फिर पाछो गयो तो वाने फिर और कुछ बहाना नहीं मिले तो ये बहाना पाड़ दियो कि जिसके लिए वो सौदा हुआ है वो तो हाजिर है नहीं, तो इनके देने सही करने से कैसे चलेगा? तो वाको पावर ऑफ अटॉर्नी आया, तो यानी कि क्या क्या तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, यानी अच्छा चलेगा, तकलीफ क्या है का मतलब क्या? मैंने कि अभी तक ना पाड़ रहे थे, तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या पूछने माने चलेगा, कह दिए क्या चक्कर हो गया, यानी कि तुमने देखा नहीं मेरा हाथ, तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या पूछ रहा था, मैंने बता दियो कि क्या तकलीफ है, यानी कि चलेगा सही कर दो। वो तो वो भी कह रहे हो कि मैंने थोड़ी कोई लियो, वाने तकलीफ क्या है पूछे, मैंने कही चलेगो, हमें एक अच्छा ऑफिसर हो है मॉरल वालो, तो वहां को ईगो हर्ट होना चाहिए कि नहीं कि कोई तकलीफ क्या है पूछते हो, तो ऐसे अपन ब्रह्म संबंध देते हो, ओके महाराज तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, बोलो, बोले 11 रुपया चलेगा, अपनो ईगो हर्ट होना चाहिए कि नहीं? बेसिक इश्यू ये है। यदि अपनो ईगो हर्ट नहीं हो रहे है तो ठीक है, फिर तो धंधा है वो, तो जैसे ब्राह्मण करते थे ऐसे अपन कर रहे हैं, कर रहे हैं, वहां में कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण वृत्ति है। सवाल ये कि फिर वो ब्राह्मण को क्यों ना पाड़ी गई? मैं अभी पुष्टिमार की बात नहीं कर रहे हूं, मैं यह बात को समझाना चाह रहे हूं कि सिस्टमेटिकली अपन ने पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण को रोल खत्म कियो, और जब अपन ने खत्म कियो तब अपन ने यह सौगंध खाई थी कि भगवान और भक्त के बीच में कोई मझोलिया की जरूरत नहीं है। वो सौगंध को क्या भयो, ब्राह्मण को हटा के, और अपन जब अपन ने अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लियो वाटिका ने, तो वह सौगंध को क्या भयो, जहां सौगंध में अपन ने कही थी कि भगवान और भक्त के बीच में कोई दलाल की जरूरत नहीं है,
हर व्यक्ति अपने भगवान की आराधना स्वयं कर सके, वाह वाह वाह, गरिमा को क्या भयो भक्ति की। मेरो इश्यू मुख्य ये है। अब यह कि अपन काय की ले रहे हैं दक्षिणा और काय की नहीं ले रहे हैं, तो एक सीधी सी बात है कि जो लड़की आ रही है वो अब अपने पियर से कुछ तो माल लेके आएगी, पर माल के लिए लड़की को ब्याह रहे हैं कि लड़की के लिए माल को ब्याह रहे हैं, ये तो इश्यू अपने को खुलासा करना पड़ेगा ना। कम माल ला के झगड़ा हो रहे हो मतलब माल के लिए लड़की आई है, और नहीं भी माल लेके आई है और अपन वकू अपनी जीवन संगिनी बनाने तैयार है, मतलब माल लाई हो या नहीं माल लाई हो, अपनी जीवन संगिनी है तो है। या तरह सु जो दे पा रहे हो है या नहीं दे पा रहे हो है, सबको अपन इक्वली ट्रीट कर पाते हो तो वो अपने पार्ट में या बात को इंडिकेशन होएगो कि आप या बालिए नहीं दे रहे हो। पर जब आपको माहौल ऐसा है, आपके गुर्गाएं बाकायदा या तरह से पॉपुलराइज करते हो कि ब्रह्म समन लेना हो तो 11 रुपया तो भेंट धरनी पड़ेगी, आप तो कह रहे हो कि मांग नहीं रहे हो। एक आपको बात बताऊं, दादा भाई की यात्रा में मैं गोकुल गयो तो, और वह चार ठकुरानी घाट पर मैं दोपहर को जाके बैठ जाता हूँ, दोपहर को जाके बैठ जाता, बड़ी लूट खसोट होती बेचारे यात्री के साथ। एक दिन न जाने क्या मेरा भी अहंकार जग गया, भाई मनुष्य हो जग गया तो जग गया अहंकार। तो वो पंडा को बुला के मैंने कि यार तुम इतनी लूट खसोट करो लोगन की श्रद्धा उठ जाए धर्म पैसो, नहीं लूट खसोट करो तो लोगन की श्रद्धा बढ़ेगी। यानी कि महाराज हमारे पास तुम्हारे तरह समाधानी रखने को पैसा ना है, सो हम लूट खसोट करें, तुम लूट खसोट करो ना, गादी पे बैठ के आशीर्वाद दो और लूट खसोट तुम्हारा समाधानी करे। मैंने कि भागो यार सो, अब ठकुरानी घाट पे नहीं बैठना, दूसरे दिन सुमोर की हवेली में ही बैठ तो कौन जावे वहां। ब्रजवासी ने बात बड़ी पता की कही, हमारे पास पैसा ना है तो हम समाधान ही ना रखते, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ऐसे बैठ के आशीर्वाद दे तो लूट खसोट समाधान ही करते। बात तो हुई कि वही भाई ना, तुम एजेंसी के थ्रू मांग रहे हो कि खुद मांग रहे हो, माहौल तुम कैसे खड़ो कर रहे हो इश्यू या को है, ये माहौल अपने को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहे हो है, ये मेरे प्रश्न है सिद्धांत के तहत। और यदि ये माहौल अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेट अस बी एब्सोल्युटली क्लियर के ये माहौल अपने को सोसाइटी में ब्राह्मण को रोल ही प्ले यदि करना है तो दूसरों जो ब्राह्मण को रोल प्ले करना चाह रहे हो वाकु रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणत्व तो अपनी मोनोपोली नहीं है। कोई भी शास्त्र के वचन के आधार पर अपन ये क्लेम नहीं कर सके कि वल्लभाचार्य के वंशज कोई स्पेशल ब्राह्मण है और दूसरे ब्राह्मण ऑर्डिनरी ब्राह्मण है, ये अपन क्लेम नहीं कर सका। यदि अपन क्लेम कर रहे हैं तो पाछो अहंकार है अपना, सीधी बात है। अहंकार के अलावा में कुछ चीज प्रकट, कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहे। एज ए ब्राह्मण अपन सब ब्राह्मण के बराबर ही है, दुनिया में जितनों भी ब्राह्मण है सब ब्राह्मण अपन बराबर है। अपन को जो भी कुछ रोल है तो पुष्टि मार्ग में, समाज की बात नहीं कर रहे हो, पुष्टि मार्ग में अपनो रोल है तो वो क्या है तो के भगवत भक्ति की अपन सबको प्रेरणा दें, भगवत भक्ति पे सबको अपन अग्रसर करें, वो अपन अपना प्रोफेशन नहीं बनावे। वहां में अपन व्यर्थ में बीच में मझोलिया ना हो जाए। तो बात सीधी से मैं अक्सर एक बात कहता रहूं यही लिए कि जो भी पंडित है जो शादी करावे है, वो शादी करावे तब तक वाकी प्रेजेंस जरूरी है। वर वधु जा वक्त हनीमून करवे जाए, वा वक्त भी वो कह के नहीं हस्त लिवा तो मैंने करा, अब यहाँ भी मेरे को साथ ले चले, यार माँ तेरे को कैसे साथ ले जाएंगे, हनीमून तो हमको मनाने देना। ब्रह्म समन करायो तब तक कोई रोल हतो तो हतो गुसाई को, पर जब ठाकुर जी पधरा दियो तब तो हनीमून स्टार्ट हो गया भक्त को और भगवान को। वहां में तुम बीच में कहां से आ गए यार, ऑन वॉट ग्राउंड क्यों आए, जब आए हो मतलब तुम कुछ दूसरी बात कर रहे हो। अब तुम सिर्फ इन माने प्रेरक तत्व नहीं रह के कुछ दलाली को काम कर रहे हो, और जब दलाली को काम कर रहे हो तो गलीच धंधा हो गया, भगवान के दलाल हो गए अपन। गरिमा अपनी वहां खंडित भाई, तो क्या भक्ति अपनो भगवान की दलाली को धंधा है?
चलो एक वक्त साफ सुथरी तौर पे कबूल कर दो कि हम गुसाइयन को भगवान की भक्ति को दलाली को माने पैटर्नल प्रोफेशन है मोनोपोली को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई मानेगा ही नहीं ये बात को। और कोई गोस्वामी में इतनी गट्स नहीं है कि यह बात को खुलेआम कह सके जो वो प्रैक्टिस कर रहे हो। वो ये जो आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट कैसे जात की प्रैक्टिस है कि अपन अपने सिद्धांत को अपन अपने आदर्शन को खत्म करके और कोई तरह से सर्वाइव करना चाह रहे हैं। और बड़ी एक फनी बात है, कोई परिवार में कोई बच्चा ने कछुआ पालियो, वो कछुआ पता नहीं कछुआन की वो जैसे अपने वो बायोलॉजिकल क्लॉक होवे ना, हर जानवरन की मनुष्यन की सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक होवे, वाके हिसाब से वो कभी एक्टिव हो जाए कभी एकदम इनर्शिया में चले जाते हो। वो कछुआ कोई कारण से हाइबरनेशन में गए हो कि कैसे इनर्शिया में गए पता नहीं, पर कोई तरह से वो ऐसे हो गया जैसे कोई मर गए हो। तो बच्चा ने रोना शुरू किया कि मैंने कछुआ पालिया वो मर गया मर गया मर गया मर गया। वो तो बच्चा ने बच्चा तो बच्चा ही है ना, वाने सिर माथे पर उठा लियो घर। अब वाको समझानो कैसे? अब वाको ईगो को प्रश्न हो गया कि जो कछुआ मैंने पालियो वो मरियो कैसे? देखो अहंकार की बात बता रहे हो पाछी, बहुत खूबसूरत बात है कि वो कछुआ मरियो कैसे। अरे भाई दुनिया तू भी मर जाएगा एक दिन, पर बच्चा को तो ये बात समझाई नहीं जा सके ना। वहां ने जब रोनो धोनो शुरू कियो माँ बाप को कुछ उपाय समझ नहीं आया तो माँ बाप ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी वको। कोई चिंता की बात नहीं है, अपन या कछुआ की एकदम जुलूस निकाल के दफन विधि करेंगे। और फिर उनने जुलूस का वर्णन शुरू किया कि जुलूस में याकू बुलाएंगे वाकू बुलाएंगे, ये आएगो वो आएगो, गाड़ी में ले जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बच्चा को पाछे वो ईगो तो हर जाई है ना, तू जो हर जाई से रखता है वफा की ख्वाहिश तो ईगो तो अपनो हर जाई है। बच्चा को लगे कि यार कछुआ पाले हुआ में तो कोई ने इतना रिकोगनीशन नहीं दियो और कछुआ मर गया हुआ कि दफन में यदि इतने सब लोग आएंगे सबके लोग आएंगे वह बच्चा के जितने फ्रेंड रहते उनको भी बुलाएंगे अपन या को दफन करेंगे ले जाकर। बच्चा को तब मजा हो गई, वनी की ठीक है वनी की करो दफन, सब अनाउंस हो गए। इतने में वो कछुआ कुट कुट चल के तालाब में चले गए। वनी की अब क्या भयो तो जिंदा निकलियो। बच्चा रोने लगे कि नहीं अब याकू दफन करो याकू दफन करो याकू दफन करो क्योंकि अब वाकू बाय दैट टाइम ईगो वहां से कछुआ को पालक होने के बजाय कछुआ को दफन करने को ईगो पनप गयो। आज अपन गुसाइयन को महाप्रभु जी के सिद्धांतन को दफन करने को ईगो पनप गयो है, ये एक नग्न सत्य है। शुरुआत अपन ने करी थी पालन सु कि हम महाप्रभु जी के सिद्धांत का पालन करेंगे, मगर आज अपन अब यह बात के लिए रो रहे हैं कि हम दफन कैसे करेंगे। जो दफन नहीं करने दे जो दफन की ना पाड़े वाकु अहंकार है। अब ये तो ईगो तो हर जाई ऐसा ही हो है। तू जो रखता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश दिले नादा ये तेरी बदगुमानी है। ये बदगुमानी ऐसी दिल की हो है क्योंकि दिल को पता नहीं चले कि अपने को कौन सी बात पे कब दिल चल जाए। और जा वक्त जा तरह से दिल चल जाए वह तरह से फिर अपना ईगो वह तरह से कन्वर्ट हो जाए। ईगो कोई अपना मेंटेन तो हुए नहीं है, ये बेसिक इश्यू है। हाँ तेरे मैं समझू कि मैंने अपने प्रश्न श्योर सॉरी हाँ सॉरी वो रह गया वो रह गया नहीं नहीं वो मैं बताऊं तो वो बात मैंने देखो थोड़ी तो इंडिकेट आपको करी या बारे में कि अपन ने मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ब्राह्मण को जो रोल है ब्राह्मण के रोल क्या तो यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह षटकर्माणि दिने दिने है ना। वो षटकर्माणि दिने दिने के अंतर्गत अपन ने याजन कैंसल कियो है, माइंड इट, याजन कैंसल कियो है। पुरुषोत्तम जी आंखों
सिद्धांत मुक्तावली की टीका में वो इश्यू को उछाल के खुलासा कर रहे हैं कि यदि ब्राह्मण यज्ञ कराने की, होम कराने की, पूजा कराने की दक्षिणा ले सके तो अपन सेवा करवे की दक्षिणा क्यों नहीं ले सके। और वाकई खुलासा में पुरुषोत्तम जी ने क्या बात कही कि वहां वो विहित है कर्म में, पर भक्ति में वो विहित नहीं है, या लिए नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्ट वो बात याजन की अपन नहीं ले सके हैं। और जहां तक सवाल यह है कि मार्ग पे प्रवृत्त करनो, वो प्रवृत्त अपन कर रहे हैं, उतना अपना ब्राह्मण को रोल अपन मान रहे हैं, वो रोल अपन ने दूसरे ब्राह्मणन को भी दियो हो तो जैसे अपन ने एक्वायर कियो ऐसे दूसरे ब्राह्मणन को भी अपन ने दियो हो तो ब्राह्मण आनंद सु करते, ब्राह्मण यहां जी सकते थे। पर वहां में भी अपन ने पास लफड़ा करा दियो कि नहीं, ब्राह्मण के मुंह से नहीं सुननी। आज तो स्थिति बहुत बदल गई है बाबा, अमृत वचनावली में वो मैंने दियो नहीं है पूरो, पर देवकी नंदन चाय जी महाराज को एक अमृत वचन है, आप देखिए मैं आपको बताऊंगो, उन्हें नवसारी में दियो है, बंबई सु कामा पधारते वक्त, वहां में उनने एक बात बहुत गजब की कही है, आज से 100-125 साल पहले की बात है, कि हमारे यहाँ ये डिफिकल्टी आ गई है कि शास्त्री यदि बालक को पढ़ावे तो वैष्णव यूं कहे कि शास्त्री जी बालक ने बहु परिश्रम आपे छे। वाके कारण क्या हुआ कि हमारे गुसाई ये पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे करके प्रवचन कौन करेगा फिर? शास्त्री प्रवचन करे और शास्त्री पॉपुलर हो जाए तो मरे बालक, शास्त्री नहीं पॉपुलर हो तो खुद में पॉपुलर होने के गट्स नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं है, तो करें क्या? फिर एक चक्कर ये चलायो कि प्रवचन सुनो नहीं, सिद्धांत सुनो नहीं, सिद्धांत सुनो तो बहिर्मुख हो जाओ, सिद्धांत विचारो तो प्रमाण मार्गी हो जाओ, प्रमेय नहीं रह जाए, ये सब चक्कर अपन ने चलायो, ये चक्कर चलायो अपन ने और बूमरेंग अपने पे भयो है। अब पोल खुल गई अपनी, अब सब शास्त्री भागवत कथा करने लग गए टू द एक्सटेंट कि अपने को अब कथा करने के लिए लाचार होना पड़ रहे हो। या दुर्गति का उपाय क्या? अपन ने जो रोल अपनायो भक्ति मार्ग के तहत वो रोल ब्राह्मण को भी अपन दे सकते थे। एक बात समझो, चाचा हरिवंश जी मार्ग का प्रचार नहीं करते थे, चाचा हरिवंश जी क्या दीक्षा नहीं देते थे? सेठ पुरुषोत्तम दास तो बनिया होते तो अभी दीक्षा देते, तो गोपाल दास नहीं देते थे, और ये जो आठवें लाल जी हैं वो दीक्षा नहीं देते थे। सिस्टमैटिक ऐसे एक षड्यंत्र फैलायो कि बालक के अलावा कोई दीक्षा दे नहीं सके, बालक के अलावा कोई के वचनामृत सुन नहीं सको, बालक पाछो बोले नहीं। आखिर बेवकूफ जनता को, कुछ लोग को कुछ दिन बेवकूफ बनाया जा सके, पर कुछ लोग को सब दिन तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सके, और सब लोग को कुछ दिन के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सके। तो अब जनता समझ गई ये रहस्य, अब समझ गई तो अब अपने पे बूमरेंग हो रही है बात। अब जब बूमरेंग हो रही है तो अपने को आवश्यकता क्या है? नेगेटिविटी डेवलप करने की कि महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझ के फिर से या को स्वस्थ करने की? बूमरेंग तो भई है, या में तो अपन इनकार नहीं कर सके, बूमरेंग तो इतनी भई है कि तिलकायत महाराज से ब्रह्म संबंध लेने वालों पाछो किरीट भाई से ब्रह्म संबंध लेने लग गए, और वो ये कह रहे हो है कि मुको तिलकायत महाराज से ब्रह्म संबंध लेने में संतोष नहीं भयो, या के लिए मैंने किरीट भाई से लिया, तो बूमरेंग तो ट्रिमेंडस हो गई है। और अभी तो 56 भोग वो नहीं कर रहे हो, कारागवा दिन देखियो आप, भयंकर बूमरेंग होगी। अब पूना को जो सेमिनारी है वाके तो पादरी ने स्पष्ट ये लिखियो है कि अपन बेवकूफ हैं कि यहाँ क्राइस्ट के नाम पे ऐसे क्रिसमस के दिन रो रहे हैं। पुष्टिमार्क को कोट कियो है कि पुष्टिमार्क समझो कि हिंदुस्तान में प्रचार कैसे करना हो, उनने की कैसे करना हो कि क्रिसमस के दिन ऐसे एक को मेरी बनाओ, एक को जोसेफ बनाओ, क्राइस्ट को पलना झुलाओ, अधिक मास के मनोरथ करो, कोई दिन ढुंडोला में जिलाओ, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को यही पसंद आ रहे हो, अपनो रोनो धोनो पसंद नहीं आ रहा, मर गए अरे मर गए अरे मर गए, कोई सभी मर रहे हैं वहां में, क्राइस्ट मर गए तो कौन सा बड़ी बात भाई। हिंदुस्तान की जनता ऐसे उल्टा सोच रही है, यही लिए आप देखो जितनी फिल्म चले हैं ना, ट्रेजेडी की फिल्म नहीं चले, कॉमेडी की फिल्म क्यों चले? हर आदमी दुखी है तो कोई तरह से सुखी होना चाह रहे हो, मिर्च मसाला सब होए, मिर्ची रेडियो खूब चले,
वहां को कारण क्या, क्या हर आदमी सुखी होना चाह रहे, दुखी कोई नहीं होना चाह रहे। अब धर्म के नाम पे दुखी करो तो काय को दुखी हो गए वो, कि क्राइस्ट मर गया, मर गया तो यार मेरे क्या ले गए, कुछ भी नहीं ले गए, मर गए। यहाँ तो कुछ छप्पन भोग की बात करो, कुछ लड्डू की बात करो, कोई पूड़ी की बात करो, कोई नजारा की बात करो, कोई पिकनिक की बात करो, तो फिर सबको धर्म अच्छा लग रहा है। जब अपनी वृत्ति वा तरीके की हो गई है वहां में, वो कैसे पॉपुलर होगा? समझो कि क्रिश्चियन ने चर्च में छप्पन भोग करना शुरू कर दियो, अपने कॉन्वेंट में सब बच्चे हैं, कितने बच्चे आज कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं अपने हिंदू के, वो आएंगे फिर अपने यहाँ? क्रिश्चियन ने ज्यादा दिन छप्पन भोग करेंगे ना चर्च में, वादिन सारे अपने कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं अपने मंदिर के बजाय वहां को प्रसाद पसंद करेंगे, क्योंकि सबको केक पसंद आ रही है, सबको चॉकलेट पसंद आ रही है, अपने गुसाइयन को चाइनीज बर्गर पसंद आ रहे हो, मैक्सिकन फूड पसंद आ रहे हो, तो अपने गुसाइयन को जब अपने यहाँ की सामग्री नहीं पसंद आ रही है तो बाहर के लोगों को कैसे पसंद आएगी? ओपनली जो है वो अपन प्रोफाइल में अपन कह रहे हैं कि हमको मैक्सिकन फूड पसंद आ रहे हो, चाइनीज फूड पसंद आ रहे हो, जब अपने को नहीं पसंद आ रहा तो वैष्णव जनता जो बेचारी कॉन्वेंट में पढ़ रही है बच्चा है, वो कैसे पसंद करेंगे अपनी सामग्री? उनमें वो कोई फ्लेवर नहीं है वा तरीके की। मैकडोनाल्ड के तो खास बीफ की फ्लेवर डालते तैयारी है कि लोग बीफ की फ्लेवर खा के और वो आइटम पसंद करने लग जाए तो सब लोग खाने लग जाएंगे। तो वो सब आज को प्रिवेलिंग जो एटमोसफियर है वहां में अपन कैसे कन्विंस करेंगे? इश्यू ये है कि नहीं भयो खुला सभी भी। क्यों नहीं भयो? क्या प्रॉब्लम क्या है? अब क्या वो आधुनिक बात जो चल रही है ना, गलत चीज बाकी ऊपर ज्यादा बढ़ गए, वो तो मैं समझ गया, बाकी बात क्या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कि आइडियली जो सेटअप है, आइडियली सेटअप मैंने बताया ना कि अपने यहाँ याजन नहीं है, अध्यापन एक अलग कथा है और वो जो अनुष्ठानात्मक सप्ताह है वो अलग कथा है। अच्छा वो तो अनुष्ठान देखो एक अलग चीज है, अपने यहाँ भागवत नित्य में होती, अपने यहाँ सेवा नित्य में होती, अपने यहाँ सेवा अनुष्ठानात्मक नहीं होती, नित्य सेवा होती, फैमिली मेंबर के साथ करनी थी, भागवत अपने यहाँ नित्य अनुष्ठेय होती, ये सप्ताह की विधि अपने यहाँ आती नहीं। और जब नित्य आप कर रहे हो तो वो प्रोफेशन हो ही नहीं सके ना जो आप नित्य कर रहे हो, जो नित्य आप कर रहे हो और अपने लोगों के साथ कर रहे हो तो हमें प्रोफेशन को सवाल कहाँ आयो, प्रोफेशन का सवाल कहाँ आ रहे हो? प्रोफेशन का सवाल जब कहाँ आ रहे हो कि जैसे 7 दिन के लिए आपने जाके घोषणा करी कि हम भागवत सप्ताह करने जा रहे हैं और या के लिए तुम ऐसे अपने नाम दर्ज करवाओ, तब तो प्रोफेशन को, आप रोज ही भागवत कर रहे हो तो हमें प्रोफेशन का सवाल कहाँ है, वो तो आपकी लाइफ स्टाइल होगी। सवाल वो नहीं कर रहे हो, पर वो वहां निमित्त से ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, निमित्त भी कुछ ले नहीं रहे हो तो ठीक है, फिर क्या हरकत है? वो कोई भागवत सप्ताह कर रहा है, कोई हरकत नहीं है। तो वो और अपन जैसे बालक के जो उपदेश दे रहे हैं भक्ति को, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा डिफरेंस तो देखो एक बात है कि अपना ब्रह्म संबंध जो मंत्र है वो भागवतोक्त मंत्र नहीं है, मंत्र भागवतोक्त नहीं है, भागवत में वह प्रिंसिपल की बात है, वो मंत्र की बात नहीं है, एक बात ये। तो भागवतोक्त पौराणिक मंत्र नहीं है, अपन खुद इन्नाय कर रहे हैं कि पौराणिक मंत्र नहीं है, ये वैदिक मंत्र नहीं है, ये तांत्रिक मंत्र नहीं है, ये पौराणिक मंत्र नहीं है। जहाँ तक सिद्धांत की बात है आत्मसमर्पण की, तो माइंड इट के वो सिर्फ भागवत में ही नहीं, वो तो उपनिषद में भी कहो है, गीता में भी कहो है, और भागवत में भी कहो है, और आगमन में भी कहो, और कुरान में भी कहो, और बाइबल में भी कहो है, और इवन बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी कहो गया है समर्पण को तो सिद्धांत। कौन सा धर्म ऐसा है जहाँ समर्पण को सिद्धांत नहीं कहोगे, मुझको बताओ? हर धर्म में ये सिद्धांत कहो गया, तो कोई अपना कोई स्पेशलिटी नहीं है वह में। अपन वह समर्पण की दीक्षा में प्रेरित कर रहे हैं, पर समर्पण के दीक्षा के लिए अपन वाकू एज ए प्रोफेशन नहीं, मैंने तो उपदेश अरे भाई वही बात तो आप पृथक करके नहीं समझ रहे हो कि ये कोई ऐसा उपदेश है ही नहीं कि जो अपन स्पेशल वाकू दर के देते हैं कैटेगरी में, ये जनरल प्रिंसिपल है जो सब कह रहे हैं वो अपन कह रहे हैं। अब मैं समझा आपको कहूँ कि ये स्क्रीन है और आप खुश हो जाओ कि ओहो श्याम काका जी ने कितनी अच्छी बात समझाई कि ये स्क्रीन है, 2 रुपया भेंट, तो
या मैं, या तो आपके कुछ गड़बड़ है या मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ है। भाई ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन कुछ स्क्रीन कही, वहां में कोई उपदेश की बात कहां है? उपदेश की बात कब आवे जहां दीक्षा को सवाल आ रहे हो? पुरुषोत्तम जी को उपदेश शंका निराशवाद आप पढ़ के देखो, स्पष्ट वहां कह रहे हैं कि कृष्ण नाम के अलावा अष्टाक्षर मंत्र नहीं है। अब वो बात ब्रह्म संबंध पे लागू नहीं होगी क्या? खत्म हो गई तो बात। और कृष्ण नाम यदि मंत्र है तो कृष्ण के एक नाम नहीं है, एक सहस्र नाम है, सभी नाम मंत्र हैं। तो वो स्क्रीन को स्क्रीन कहने जैसी बात भाई। हमें अब बैठे ठाले अपन माहौल ऐसा कर दें, वो तो सत्यजीत राय ने बहुत अच्छी कापुरुष महापुरुष फिल्म बनाई थी, तो वाने वाने बताया हुआ में कि वो सर रेल में बैठे वो एक साधु महाराज आवे और वो सूर्य उदय होने वाला है, वो कहें आओ ऊपर आओ, आओ थोड़ा और ऊपर आओ, अरे हिचकते क्यों, थोड़ा और उगो, थोड़ी देर में सूरज उग गया। यानी कि ओहो आप में इतनी सामर्थ्य कि सूर्य को उगा देते हैं? बोले क्या करें बेटा, वो थोड़ा संकोच कर रहा था, इसलिए हमने कहा कि जो हमसे हो सकता हो कर दें। तो सूरज उगने वाले वक्त आव आव करने से क्या सूरज नहीं आव आव कहते तो नहीं उगते तो क्या? अब कोई वहां में भगत हो जाए वो वहां में बताया, देखियो आप वो तुरंत गदगद हो गए उनके, वो अद्भुत सामर्थ्य सूरज को उगा दियो। तो वो तो मेरे यहाँ भी एक दिन में ऐसा, वो कीबोर्ड में सब इंग्लिश लेटर है और वो मॉनिटर पे हिंदी आ रहे हो, तो उनके ओहो हाँ इंग्लिश अहिया करो छो ने त्या हिंदी अपना बिना कौन आऊ चमत्कार करी। या चमत्कार को कैसे पार पाना, माहौल ऐसा बना रखे विष्णु उनको के उनको अपन हाथ ऊंचो करें तो चमत्कार लगे, नाक ऊंचो करें तो चमत्कार लगे। ओ चमत्कार थे गया, हाथ ऊंचो हाथ ऊंचे में चमत्कार छूते हो कीबोर्ड में, वो नोट है बाकी तो इक्वेशन है वाके, वो अपन में ऑल्ट थ्री दबा दो तो हिंदी आएगा, ऑल्ट टू दबाओ तो इंग्लिश, ऑल्ट वन इंग्लिश आएगा। वो तो वो कीबोर्ड उनके वो इंग्लिश की नहीं या हिंदी टाइपराइटर, तो वल्लभ कुल सिवाय कौन चमत्कार लाभ भेक पाची आ चमत्कार दर्शन करा रहते नहीं। कैसे आपको सॉल्यूशन क्या जान करके अपनी फॉलोइंग को जा वक्त अपन या तरीके के बेवकूफी के माहौल में जीवाना चाह रहे हैं तो वो बेवकूफी तो अपने गले पड़ेगी एक दिन, सीधी सी बात है। बाकी सिद्धांत यदि अपन समझा दें कि हमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो हमारी मोनोपोली होए, अब वो भी तो महाप्रभु जी ने विचार ने खुलासा सु कही है कि नहीं कही है, कृष्ण सेवा परम वीक्षे दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरा तदभावे स्वयं वापी मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित। तो कहां अपनों कंपलसरी मान्य रोल, जबरदस्ती कंपलसरी अपने को बना दियो। तो जब या तरह से अपन अपने को कंपलसरी बना रहे हैं तब ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रहे हैं, बाकी कंपलसरी नहीं बनाओ तो कोई इश्यू नहीं है। स्क्रीन को स्क्रीन कह रहे हैं, वहां में कोई कोई को बैठे बैठाए चमत्कार लगे तो आपको तो कोई इलाज नहीं है, तो जैसे तैयारी हो मैं ना। एक वक्त क्या भयो एक बेचारा मुर्गी पालतो तो बाकी मुर्गी ने अंडा दिया और मुर्गी कोई तरह से मर गई या कोई कुत्ता उत्ता खा गया। अब वाकू इसी भयो कि या अंडा अंडा को क्या करना, तो बतख भी पालते तो वहां ने वो मुर्गी के सारे अंडा बतख के नीचे घुसा दिए कि भाई ये बतख करो। बतख को भी बिचारी को भ्रमणा हो गई अहंकार की, तुझे रखता है हर जाई से वफा की ख्वाहिश, तो आखिरी लगे हो ये अंडा पाछे मेरे ही दिए भाई कहीं नहीं हो। तो वो बतख ने भी वह अंडा उनको अपने अंडा समझ के सेवित किए। थोड़े दिन में सुबह में मुर्गी निकली और बतखें भी निकली वहां के जो अंडा थे। अब वो बतकन की एक खास टेक्निक हो कि जब निकले वो करके वो तालाब में जावे पौंड में, तो वो जब चले करके तो मुर्गी के अंडा भी चले कुकू 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 करके, पर जहाँ तालाब में पड़ने की बारी आई वो सब वहाँ करने लगे, बतक के बच्चा सब कूद गए वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। आज अपन पुट्टी मार्गी ऐसे वहां के वहीं रह गए, बतकें सब कूद गई हैं। तकलीफ ये है क्योंकि अपन ने गलती से
माने मुर्गी के बच्चा होते भाई अपने आप को बतख मान लियो कि अपन भाव सागर तैर जाएंगे, पौंड तैर गए ऐसे, अपन खुद डूब रहे हैं यार, मगवा में पड़ेंगे ना पौंड में, तो सबसे पहले डूबने के चांसेस अपने हैं। जा तरह से अपन सिद्धांत को बाध कर रहे हैं, तो अपन दूसरे को क्या तैरा सकेंगे। यार रहस्य को जब अपन नहीं समझेंगे और अपन निरंतर एक आई वॉच पे खड़े ही रखेंगे तो नेचुरली बूमरैंग होएगो, बट नेचुरल है मतलब। बाकी जो लाइफस्टाइल है वो कोई प्रोफेशन नहीं है। अपन ने एज ए प्रोफेशन भक्ति नहीं अडॉप्ट करी है, एज ए प्रोफेशन अपन ने उपदेश नहीं किया है। भागवत कथा, एक बात ध्यान से समझो, भागवत कथा वेणु गीत पुनि युगल गीत की रस बरसा बरसाई प्रकट वे मार्ग रीत दिखाई, वो महाप्रभु जी को डेली रूटीन है, तो कोई के लिए नहीं करते थे, खुद करते थे। नेचुरल कोर्स में जो पार्टिसिपेट करते थे वो उनके आते जाते थे करते थे, वो एक कथा, और वाकु एज ए अनुष्ठान करना वो दूसरी बात हो जाए ना। जैसे सेवा अपन अपने घर में कर रहे हैं और दूसरे के लिए सेवा करना, पैम्फलेट छाप के कि आज छप्पन भोग हो रहे हो, आज कुंडवार हो रहे हो, वो इट प्रूव्स कि आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो। जब आप खुद वाकु प्रूव कर रहे हो तब ये सवाल उठ रहे हो। अब तो भय खुला सके, अध्यापन भी ऐसा ही है, अपनी डे अपनी अध्यापन कौन से तरीके को अपना अध्यापन है। अध्यापन दो तरीके के हो सके, एक ब्राह्मण कैपेसिटी को जहां में अपन शास्त्र अध्यापन करावे, वो तो बालक है कोई करावे नहीं, बेचारे महाप्रभु जी कराते थे, कोई को व्याकरण पढ़ाते, कोई को गीता पढ़ाते, बालकन में तो वो तो है नहीं स्टाइल लाइफ स्टाइल में। अध्यापन को संप्रदाय को सिद्धांत पढ़ाना, तो संप्रदाय को सिद्धांत पढ़ाओ, वो तो खाली भागवत ही थोड़ी है, वहां तो सारे शास्त्र हैं। कौन सा शास्त्र वहां में नहीं है बताओ। अर्थोयम एव निखिले रपि वेद वाक्य रामायण सहित भारत पंचरात्र अन्यश्च शास्त्र वचन सह तत्व सूत्र निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव, कौन सा शास्त्र वहां में नहीं है। तो भागवत को कहां सवाल आयो। अब बैठे बिठाए बेचारे भागवत नहीं पढ़ पाने के कारण दुखी लोग ऐसे माने कि तुम भी भागवत कर रहे हो, तो वह को तो कोई चारा ही नहीं है ना। तो उपदेश तो सभी वही है ना, कुरान में भी वही उपदेश है, तो अपन कोई मौलवी हो गए का। बाइबल में भी वही उपदेश है, लास्ट सरमन देखो समर्पण की बात है, तो अपन क्या पादरी हो गए, ऐसे तो नहीं हो गएंगे ना। हाँ रेशियो एसेंडाई हो है, एक रेशियो कॉग्निसेंडाई हो है। आग जो है वो पहले हो है, धुआं बाद में हो है, पैदा आग में सो, तो आग को रेशियो एसेंडाई कहें और धुआं को रेशियो कॉग्निसेंडाई कहें। फैक्ट के साइड से ये स्टोरी है और अंडरस्टैंडिंग के साइड से क्या स्टोरी है कि धुआं अपने को पहले दिखे और वाके कारण अपने को आग है, यह समझ में आ गया भाई धुआं उठ रही है तो कहीं ना कहीं आग होएगी, वो रेशियो कॉग्निसेंडाई है। बाकी जो प्रायोरिटी है वो नॉट एज ए फैक्ट बट एज ए आइटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो पहले आ रही है, और फायर जो है बाद में आ रहे हो। तो कृष्ण को मन में आवेश होनो रेशियो एसेंडाई है, और साधन को परिनिष्ठा जो है वो रेशियो कॉग्निसेंट है। वहां में मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना, मैं कोई झूठ बोलिया। और कोई को कैसे पूछना है। हाँ
साधन निष्ठा है साधन 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 करना से क्या क्या है अपन क्या है साधन निष्ठा किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया हो। देखो मैं एक आपको एक बात बताऊं कि हर वक्त मैंने यह इशू को काफ़ी अपने छले 5-6 सालन में स्पष्ट करने को काफ़ी प्रयास किया, पर फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि साधनन की साधनता की स्वीकृति सबसे प्राइमरी इश्यू है। वो स्वीकृति जो है वो अपने मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अपन मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो पाछो कुछ हकीकत है कुछ कहानी है, ऐसे कुछ रैशनल है कुछ इरेशनल को चौंचों को मुरब्बा है मनुष्य। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी बातें वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से सिलेक्ट करे है कि अपने एटीट्यूड से या अपने इंक्लिनेशन से सिलेक्ट करे है, ये अपन खुद समझ नहीं पाते हुए हैं। तो जब अपन खुद नहीं समझ पाते हैं तो अपन दूसरे को क्या बता सकें। पर इन ब्रीफ अपन इतना तो समझ सकें कि सबसे पहले अपने को कोई साधन की एक्सेप्टेबिलिटी आवे कि जो कुछ मुकु चाहिए है जो कुछ मुकु अचीव करना है वो आपको साधन ये है। जैसे पैसा चाहिए है, इमीडिएट पैसा चाहिए तो मटका लगाना एक साधन है, तो मटका की एक्सेप्टेबिलिटी पहले आनी चाहिए ना। लीडर बनना है तो वहाँ को साधन है इलेक्शन कंटेस्ट करना, तो वो साधनता समझ में आवे, आयो ख्याल में। वो तो साधन की स्वीकृति है, वो रुचि मूलक है कि बुद्धि मूलक है, कुछ भी आयदर और कुछ भी चौंचो मुरब्बा दोनों हो सके। वो स्वीकृति के बाद वहाँ में अपनी श्रद्धापन पे वही ये साधन सु मैं ये फल को प्राप्त कर सकूंगा। यदि वो श्रद्धा आपको नहीं पनप रही है तो आप वह साधन को स्वीकार करने के बावजूद भी कभी पकड़ नहीं पाओगे सच्चाई से। हाँ, वो फोर्स नहीं आएगा। जब आपको श्रद्धा पनप गई तब आप वाकु प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आपको वहां में विश्वास आएगा, क्योंकि श्रद्धा जो है वो तो आपको एक एडवेंचर है। वो एडवेंचर तो आप कर लो हो, एडवेंचर करने के बाद वहां को वहां पे बिलीफ पैदा होनी तो सेकंड स्टेप है ना। क्योंकि वो तो आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करो तब तक आपको वहां पे विश्वास तो नहीं आएगा। मैं अक्सर यही लिए एक बात कहता हूं कि जा दिन पति पत्नी की शादी हो जाए ना, वह दिन दोनों को बेचारे इनको श्रद्धा हो जाए कि ये मेरा पति है ये मेरी पत्नी है, पर विश्वास दोनों को एक दूसरे पर कभी नहीं हो लाइफ लॉन्ग तक। यदि विश्वास हो तो क्या जाए छे रात ना मोड़ी केम आवी, ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए ना। मतलब श्रद्धा हो अपने को कि यह पति है या पत्नी है, पर विश्वास बड़ी मुश्किल बात है। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करे तो पति पत्नी नहीं, श्रद्धा तो पूरा है कि मेरे तो सब कुछ यही है। अरे बाप रे, तो विश्वास कहाँ हुए एक दूसरे पे? विश्वास तो नहीं हुआ पति पत्नी को। तो विश्वास और ज्यादा विश्वास कब आवे? श्रद्धा को एडवेंचर करने के बाद अपने अपने लाइफ में रिपीटेटिव एक्सपीरियंस किए होए वह फिनोमिना को, तो आपको विश्वास जगे। विश्वास में एडवेंचर नहीं है, विश्वास में आपको रिपीटेशन रिपीटेड एक्सपीरियंस काम आ रहे हो कि रिपीटेड एक्सपीरियंस आपको है कोई चीज को तो आपको विश्वास हो जाएगा। श्रद्धा सो आपको सिर्फ वहाँ पे एक एडवेंचर है कि आप चलो हम हिमालय चढ़ेंगे, पर आप 4 वक्त हिमालय चढ़ के आए तो आपको विश्वास होएगा, और नहीं तो सिर्फ श्रद्धा है। वह विश्वास के कारण जा वक्त आप वह जो भी कोई साधन है वो चाहे धंधा को होए चाहे स्टडी को होए चाहे म्यूजिक को होए चाहे मर्डर करने को होए, वो निष्ठा आपकी तब पन पाएगी कि जब आपने रिपीटेडली वाकु डे टू डे लाइफ में वाकु प्रैक्टिस में लाए हो तब वहां में आपकी निष्ठा पन पाएगी। अक्सर मर्डर करने वाले आदमी क्यों कांप जाए मर्डर करने के बाद? पहले नहीं किया है मर्डर, रिपीटेड एक्सपीरियंस नहीं है उनको, करने को कर जाए मर्डर वाके बाद उनको कांपना कंपन छूटे। और जो प्रोफेशनल मर्डरर हुए हैं वो उनको लाई डिटेक्टर पे पकड़ना मुश्किल हो जाए। क्यों मुश्किल हो जाए? उनको निष्ठा है कि मारना मारने के लिए तो मारे हो, हमें तो कोई ऐसी कोई शेर थोड़ी मारे हो तो कोई
मारे हो तो हमारा धंधा तो मारना तो शूट कर दियो। अपने को लगे कि कैसे ऐसे होते हो, पर एक बात ध्यान समझो कि चूहा आवे कॉकरोच आवे तो आपको मारने में कभी गिल्टी फील हो गिल्टी फील? चूहा कॉकरोच आवे अपन ऐसे ही मार दे पर एकदम जैसे ये जो सुपारी लेने वाले मारे हैं उनके लिए अपनी कीमत, सुपारी लेने वाले उनके लिए अपनी कीमत चूहा कॉकरोच से ज्यादा नहीं हो है। वो उतनी इजीली मार सके क्योंकि उन्हें रिपीटेडली मर्डर की निष्ठा उनमें डेवलप भाई है, अपने में नहीं डेवलप भाई है मनुष्य को मारने की। बाकी कॉकरोच और चूहा को तो अपन भी ऐसे ही मार दें, मच्छर को तो ऐसे ही मार दें, चल खत्म। हम कोई को गिल्टी फील हो है? कोई को गिल्टी फील नहीं हो। तो निष्ठा जो है ना, महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि निष्ठा च साधन ही रेव न मनोरथ वार्तया। कोई चीज को आप रेगुलरली अपनी लाइफ में जियोगे तो वाकई निष्ठा है, और नहीं जी रहे हो तो श्रद्धा हो सके, विश्वास हो सके, पर निष्ठा तो नहीं है ना। निष्ठा तो इम्प्लीमेंटेशन स्वभाव है। अक्सर मैं एक बात कहता रहूं कि अपन कराटे को अभ्यास करें, कराटे के अभ्यास में ईंट तोड़ने की हो, अपन ने कोई को कराटे को अभ्यास करके ईंट तोड़वे जाएंगे तो ईंट के बजाय हाथ की हड्डी टूट जाए। क्यों टूट जाए? अभ्यास नहीं है। रोज अपन यो 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 पत्थर को मारते रहेंगे तो अंत में वह हड्डी में उतनी कठोरता आएगी कि अपन ईंट को तोड़ सकें। पर वाके लिए निष्ठा चाहिएगी ना। रोज आप पत्थर को मारो यो और हाथ में वो कठिनता पैदा करो तब तो आप ईंट तोड़ सकोगे। अचानक कोई को अपन ने रोज यो 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 करके एक दिन मार दियो ईंट पे, ईंट टूटने के बजाय पता चले कि हथेली टूट गई, फायदा क्या हुआ? निष्ठा तो आती नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ आवे। आई समझ में? मैं समझू यहाँ रखें? और कुछ है कोई को पूछना? दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन केरो साधन और नहीं आकल में जासो हो निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो।